लेकिन वो बड़ा गोल वो अचीव नहीं कर पाते। और हम आपसे कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे गोल सेट करें, उसके बाद उस बड़े गोल की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, उसे हासिल करने का प्रयास करें, फिर देखें आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आप कामयाब हो इसके लिए हम हर हफ्ते अपना प्रोग्राम आपकी बात सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि इसमें कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज आप देखें जिनसे मोटिवेट होकर आप जिंदगी में आगे बढ़ सकें। तो आइए आज के प्रोग्राम में आपके लिए क्या खास है, सबसे पहले आपको यही दिखाते हैं। कौशल विकास से मिलेगी अच्छी नौकरी, हुनर की कुशलता से मिली पहचान, ग्रीन हाउस लगाकर किताब कर रहे हैं अच्छी कमाई, एक्सपर्ट से जानिए कैसे दें अपने सपनों को ऊंची उड़ान, और अब में देखिए कहां मिलने वाली है आपको आपकी मनपसंद नौकरी एम्प्लॉयमेंट न्यूज में। दोस्तों आज भारत सरकार के योग अपना कर और अपना लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा बदलाव न कर हम खुद को न केवल कई बीमारियों से बचा सकते हैं बल्कि उनका सफल इलाज भी कर सकते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण है प्रियंका का। काफी समय पहले प्रियंका एक ऐसे बीमारी से पीड़ित थी जिस कारण उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। काफी इलाज कराने के बाद प्रियंका ने योग अपनाया और अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव लेकर आई, जिसका परिणाम भी उन्हें देखने को मिला। और आज वो न केवल पूरी तरह से फिट है बल्कि दूसरों को भी योग सिखा रही है। हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्ट्रेस कैरी कर रहे हैं, हमारी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, प्लस हमारे आसपास जो खाना है वो भी उतना शुद्ध नहीं है जितना पहले होता था। इस वजह से आज के टाइम में बहुत जरूरी है कि हम आधा एक घंटा अपने आप को थोड़ा सा एक्सरसाइज रूटीन में डालें, थोड़े से योगा पोर्शंस डालें और अपनी डाइट को थोड़ा बहुत मॉनिटर करें कि हम क्या ले रहे हैं, हम वो 5 प्रोडक्ट्स ले रहे हैं या नहीं, जैसे ग्रेन्स हो गए आपके, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ये 5 मैक्रोन्यूट्रिएंट अगर आप ले रहे हैं और योगा कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली हर डिसऑर्डर को ओवरकम कर सकते हैं। मैं बोलूँगी कि हम दवाइयाँ बंद कर सकते हैं अगर हम रूटीन में एक्सरसाइजेस, योगा, मेडिटेशन और डाइट करते हैं। तो जो जिसने मुझे हेल्प करा है और मैं यही चाहती हूँ कि सब लोग ये समझें और इसे एड ऑन करना शुरू करते हैं अपनी लाइफ में। योग में भी आजकल की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। आज सरकार भी लोगों को योग के प्रति जागरूक कर रही है। आज देश में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया भी योग की अहमियत को समझ रही है। इसलिए योग का प्रशिक्षण लेकर युवा इस क्षेत्र में भी अपने लिए रोजगार के अवसर तलाश कर सकते हैं। पहले अगर हम बात करें तो हम इतना अवेयरनेस नहीं थे रिगार्डिंग हेल्थ, ज़्यादा से ज़्यादा हम वॉक कर लेते थे अगर कोई हमें कहता था, डॉक्टर कहता था तो हम वेट करते थे, हम जनरली हम वेट करते थे कि डॉक्टर बोलेगा फिर हम करेंगे। बट आज के टाइम में जो हमारा यूथ है या जो भी हमारा जो शायद एज ग्रुप है वो भी इतना ज़्यादा अवेयर है कि येस इंस्टेड ऑफ डूइंग गो टू द क्योर हम प्रिकॉशन पे काम करना शुरू कर रहे हैं। वी आर मोर कंसर्न अबाउट द हेल्थ चॉइसेस, वी आर मोर कंसर्न कि हम किस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ एक्टिविटी एड ऑन करना शुरू करें, किस तरह हम अपने डाइट को मैनेजमेंट में लेके आए, किस तरह हम बैलेंस डाइट की तरफ बढ़े। तो नाउ वी आर मोर अवेयर है, मुझे लगता है कि येस दिस इज अ वेरी नाइस करियर ऑप्शन, अगर हम इसे चुनते हैं तो डेफिनेटली हम खुद के साथ साथ दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं इन अ हेल्दी वे। अगर लोगों के जीवन में खुशियां लाकर उन्हें फिट और तंदुरुस्त बनाया जा सकता है तो इससे बेहतर बात भला और क्या हो सकती है। जिस तरह योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार मुहिम चला रही है उससे आज कई संस्थाओं में योग टीचर की मांग तेजी से बढ़ी है। अगर हेल्थ की बात करें तो अगर कोई इंसान जीना चाहता है तो उसको अपने शरीर को, शरीर एक मशीनरी है, उसको टाइम टू टाइम आपको मेंटेन भी करना पड़ता है, उसकी सर्विसिंग प्लस कॉलिंग करनी पड़ती है। अगर हमारे अपनी मशीनरी को बियॉन्ड 60 इयर्स, बियॉन्ड 70 इयर्स चलाना है तो हमें आज से 30s और 40s के आसपास से उसको मेंटेन करना जरूरी है। फ्यूचर की अगर बात करें तो जो भी अवेयर है वो हेल्थ के ऑप्शंस में जाएगा ही जाएगा, और अगर अवेयर नहीं है तो हमारा काम है उसको अवेयरनेस देना, वही हम लोग अभी कर रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि योग में प्रशिक्षण प्राप्त करके भी अपने लिए रोजगार मुहैया कर सकते हैं।